गुड मॉर्निंग गाइस गाइस सुबह का टाइम है। मैंने बेड ठीक कर दिया है, तो मैं सुबह सुबह बेड का मेरा रूटीन है, मैं सही कर देती हूँ, साथ में उठती हूँ। तो सहज की आज छुट्टी है, वो सोया हुआ है, ये मैं उसको प्यार सा कर रही हूँ। तो गाइस आज बनाने हैं आलू के पराठे। सो मैंने उठ के सबसे पहले आलू बॉयल करने रख दिए थे। तो गाइस सुबह सुबह का जो रूटीन होता है काफ़ी मतलब जल्दबाजी का होता है, जल्दी जल्दी सारा काम करना पड़ता है। तो ये मैं दुकान के बर्तन धुल रही हूँ। तो गाइज इनको थोड़ा आलस आता है, अभी अभी ठीक हुए हैं ना, तो बोलते हैं अभी तुम धुल दिया करो। तो गाइज मैं धुल देती हूँ। तो मैं दुकान में जाके थोड़े से ऐसे पानी का छिड़काव कर देती हूँ। तो गाइज फिर मैंने काउंटर साफ किया, उसके बाद गाइज मैं आ गई थी किचन में, क्योंकि इन्होंने काम पे जाना था। तो मैंने दुकान से निकल कर के पहले झाड़ू लगाया था जब तक आलू बॉयल हो रहे थे गाइज। तो गाइज मैं आ गई हूँ इधर किचन में, मैंने आलू छीले और सहज के लिए दूध गर्म रखा, सहज को दूध दे दिया था। और गाइज इधर देखो सहज मेरी हेल्प कर रहा है, बोल रहा था मम्मा मुझे आलू मैश करने हैं। तो गाइस जब हम आलू के पराठे बनाते हैं तो आटा बहुत ही ज़्यादा सॉफ्ट होना चाहिए, क्योंकि जब हम आलू के पराठे बनाते हैं तो जो पराठे होते हैं वो काफ़ी फूल जाते हैं, अच्छे लगते हैं, सॉफ्ट भी बनते हैं। और गाइस पराठे बहुत ही ज़्यादा टेस्टी बने थे, इनको बहुत पसंद आए। सहज ने तो बोला वाह वाह मम्मा क्या पराठे बनाए हैं गाइस, बहुत ही टेस्टी बने थे। गाइस मैंने और सहज ने बाद में खाए थे परांठे इकट्ठे बैठ के। तो इधर प्लेट लग रही है आलू के परांठे की, गाइस ये है आपके लिए। सो गाइस नमस्ते, सत श्री अकाल, वेलकम बैक टू माय चैनल सिमर एसकेएस व्लॉग्स में आपका स्वागत है। गाइस क्या हाल चाल है आप सब के? आप सभी अच्छे होंगे और हम भी अच्छे हैं। तो गाइज मैं अभी आ गई हूँ शॉप में, हमारा ब्रेकफास्ट भी हो गया था, ये चले गए थे, आज हमने आलू के पराठे बनाए हैं, ये इन्होंने बहुत पसंद किए, बोलने लगे बहुत टेस्टी बने हैं। तो गाइज ये आज काम पे गए हैं, सहज की आज छुट्टी है, कल उनके स्कूल में 15 अगस्त का फंक्शन था तो आज छुट्टी कर दी है स्कूल वालों ने। तो गाइज सहज अंदर है तो मैं दुकान में आ गई हूँ, सारा काम फिनिश हो गया है। गाइस मेरे पास ये कप पड़ा था और मैंने इसको सजाने का सोचा, कुछ बनाने का सोचा। तो मैंने गाइस वॉल पुट्टी में पानी मिक्स किया, इसे सॉफ्ट डो बनाया इसका। तो गाइस ये मेरे पास एक बास्केट पड़ी थी, मैंने इसका डिज़ाइन इसके ऊपर ऐसे ड्रॉ किया। तो गाइस ये बहुत ही अमेजिंग लग रहा था गाइस, बहुत ही ज़्यादा। सहज ने भी बहुत पसंद किया, इन्होंने भी बहुत पसंद किया और मैंने इसे ड्राई करने के लिए रख दिया। गाइस मैं जब दुकान में होती हूँ मैं ऐसे फ्री नहीं बैठा जाता, ऐसे मैं कुछ ना कुछ बनाती रहती हूँ घर की सजावट के लिए कोई ना कोई चीज़। तो मैं अपने कामों के लिए तो दुकान में बैठ के टाइम निकालती हूँ अपने लिए, अपने कामों के लिए, जो भी मैंने कुछ ड्रॉ करना होता है या कुछ भी मतलब घर में कोई सजाने की चीज़ बनानी होती है तो मैं दुकान में बैठ के कर लेती हूँ गाइस। हेलो गाइस, गाइस सहज पढ़ रहा है, ये बैठा है सहज। तो गाइस सहज पढ़ाई कर रहा है, तो मैं अभी दुकान से आई थी इधर, मैंने बर्तन बर्तन धो लिए हैं। तो गाइस ये आ रहे हैं, हमने कहीं जाना है, अचानक से हमें कहीं जाना पड़ गया। तो गाइज सहज को हमें घर अकेले छोड़ के जाना पड़ेगा। तो गाइज से पूछा था कि चलना है साथ में, बोला था नहीं मम्मा आप जाओ, मैं कोई बात नहीं, आस पड़ोसियों को बोल जाएंगे, ये हमारे एक पप्पू भी हैं उनको बोल जाएंगे कि थोड़ा सा ख्याल रखना सहज का, तो जल्दी वापस आ जाएंगे। तो गाइज मिलते हैं थोड़ी देर में, ये भी आने वाले हैं, मैंने भी तैयार होना है। तो
रास्ते अंधेरा हो जाएगा, तो वही से क्योंकि गाइस बच्चा है उसे भूख लग जाती है, दुकान में से वो बार बार ऐसे कुछ खाता नहीं है, उसे पसंद नहीं आता ऐसे, उसका नहीं मन करता कुछ भी ऐसे खाने को, तो रोटी के समय उसे रोटी भी चाहिए होती है। बोला कि मैं और सहज सामान लेने जाएंगे, जो हमारे पास में पड़ता है वहाँ से ले आएंगे, शहर नहीं जाएंगे। तो गाइज़ ये बोलने लगे नहीं शहर ही जाना पड़ेगा। तो गाइज़ मैंने सोचा चलो ठीक है, मैंने सोचा चलो आपको भी कुछ लेना है तो आप भी ले लेना, चलो चलेंगे। तो गाइज़ पहले मान गए क्योंकि हमने एक किस्त भी देके आनी होती है, बोल रहे थे हाँ चलेंगे। तब जब ये घर पे आए तो गाइज मैंने इनको पानी वानी दिया, तो खाना दिया इनको, तो गाइज 5:30 हो गए ऐसे। तो ये बोलने लगे, मैंने इनको बोला जाना नहीं है, क्या था ये ना थोड़ा सा ऐसे टाल मटोल से कर रहे थे, तो मेरे को लग रहा था कि नहीं जाने वाले। तो इन्होंने बोल रहे थे जाने का फ़ायदा तो तभी है अगर किस्त जमा हो जाएगी, फिर टाइमिंग होती है गाइज उसकी। तो मैंने भी सोच लिया चलो कोई बात नहीं, तो मैं क्योंकि टाइम भी ज़्यादा हो गया था, ये 5:30 पूछ रहे हैं 5:45 किस्त वालों से, तो वो बोलने लगे आप ऑनलाइन भी भर सकते हो। तो गाइज मुझे और गुस्सा आ गया, तो मैंने बोला मैंने जो आलू पड़े थे सहज बोल रहा था कि मैंने सोचा चलो भी सहज खा लेगा, हम आके खा लेंगे। तो गाइज जब मैं अंदर गई तो मुझे बोलने लगे, मैंने इनको कहा जाना नहीं था तो आप पहले ही बता दिया करो, मेरे से ऐसे प्लान से मत बनाया करो। गाइज बंदा तैयार बैठ जाता है तो ये बाद में मना कर देते हैं तो अच्छा नहीं लगता ऐसे मुझे गुस्सा। तो गाइज फिर मैंने इनको बोला, मैंने तो आपको पहले ही बोला था कि मैं ही सामान लेने जाऊँगी सहज के साथ पास में जी इधर जो। गाइज मैंने बोला था मैं तो इनको बोल रही थी कि मैं सामान लेने जाऊँ, तो बोल रहे थे अब ले आओ। कितना टाइम हो रखा था, 6:30 हो रखे थे, तो बोल रहे थे। मैंने बोला नहीं अपनी मुझे जाना, क्योंकि अब मेरा मूड ख़राब हो गया था गाइज। मैंने बोला अभी मैं जाऊँगी आप ही ले आओ खुद जाके सामान। तो गाइज ये चले गए थे फिर सामान लाने, अभी मैं दुकान में बैठी हूँ, पराठे हमारे बने हुए हैं दही के साथ खा लेंगे भी, तो अच्छा नहीं लगता गाइज ऐसे मुझे ना जब। हाँ जी क्या लेना है, कौन सी 5:55 ये। तो अभी सबक 7 हो चुके हैं तो ये गए हुए हैं सामान लेने के। ऐसे कभी गुस्सा आ जाता है मुझे ना, अगर नहीं जाना हो तो नहीं साफ मना कर दो उसी टाइम, तो ऐसे मुझे फील नहीं होता। जब बंदा तैयारी करने लग जाता है अपनी ये वो, मैं फटाफट से गई काम कर रही हूँ तो मैंने खाना भी फटाफट से बना दिया, मुझे बड़ा गुस्सा आया है। हमेशा ही ऐसे ही करते हैं, बाद में हंसने लग जाते हैं जब मुझे गुस्सा आ जाए, आज मुझे नहीं अच्छा लगता है ऐसे लोग का एंड। अगर आपको हमारा वीडियो अच्छा लगा हो तो हमारे वीडियो को लाइक शेयर कमेंट जरूर करिएगा गाइज, और हमारे वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिएगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय गाइज़।